इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो कैराना से आ रही है। आरएलडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी खबर है। आरएलडी उम्मीदवार ने बड़ी बढ़त कैराना में बना ली है। लगभग 55,000 वोटों से तबस्सुम हसन आगे चल रही है। मृगांका सिंह बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रही है 55,000 वोट। बहुत बड़ा अंतर है ये कैराना से, और गठबंधन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर कैराना से आ रही है। अरविंद जी, आप लगातार कह रहे थे कि अगर गठबंधन का और बीजेपी का वोट डिफरेंस जो है, मतों का अंतर अगर बहुत बड़ा है तो गठबंधन को क्रेडिट देना उचित होगा, उससे पहले नहीं। बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है सर, 55,000 वोट। बहुत साफ दिख रहा है कि गठबंधन का बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा सब लोग मान रहे थे, लेकिन वोट उसका एक सर्टिफिकेट है कि साथ आने से फायदा हुआ। लेकिन मैं बार बार इस बीच जो सुन रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता का बोलना, अभय जी पता नहीं है नहीं साथ, उससे मुझे कुछ खराब सिग्नल मिल रहे थे। वो कभी गठबंधन पे बात नहीं ले जा रहे थे, वो बार बार मोदी सरकार के परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल पार्टियों से जीतने का। तो मुझे उनके एनालिसिस पे, अपना जो भी उनका एनालिसिस है वो अपनी जगह सही है, मुझे उसमें खतरा ये लग रहा था कि गठबंधन का अगला दौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का है, तो कहीं कांग्रेस इस मूड में तो नहीं है कि वहां किसी को साथ नहीं लेगी। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी है और वही लड़ेगी जी। लेकिन वहां बीएसपी और दूसरी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी ऐसी हैं जिनको साथ रखने का फायदा होगा अगर गठबंधन इस तरह से सफल हो रहा है तो। लेकिन अभय जी के बयान से वो सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं तब उनको टोकना चाहता था। मझे हुए कलाकार है राजनीति के क्षेत्र के, खुल के वो कुछ भी नहीं बताएंगे।